बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। ये काफ़ी हमारे पास में आते रहते, स्पेशली जो यंग लड़के रहते हैं जिनकी शादी होने की है, लड़कियाँ, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा, उसमें वो लोगों में दिखता है। उनमें होता क्या है कि उनको लगता है कि मेरे दिखने में कुछ तो भी गड़बड़ है, और उनको काल्पनिक भय रहता है, मतलब एक काल्पनिक डिफेक्ट कि कुछ तो भी है उनको लगता है, और वो काल्पनिक डिफेक्ट है, दिखने में इमेजिन्ड है, काल्पनिक है, और उसके बारे में वो बार 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 सोचते रहता है। उसको पूछो कि उसको पुरावा दो, उसका एविडेंस दे दो, काय पर से आप बोल रहे कि ऐसा है, तो बोलता नहीं मुझे लगता है कि है करके ऐसा, और वो बार बार बचे आता है कि मेरा चेहरा ही बराबर नहीं है, मेरा नाक बराबर नहीं है, मेरे आँखें बराबर नहीं, मेरे कान ठीक नहीं है, या मैं दिखने में बराबर नहीं हूँ, मेरी बॉडी बराबर नहीं है, मैं चलता बराबर नहीं हूँ, और वो काल्पनिक रहता है। ये विचार बार बार आने से, और ये काल्पनिक विचार आने से, या काल्पनिक डिफेक्ट है भाई, कुछ तो भी मतलब डिफेक्ट है, कुछ तो भी कमियाँ हैं, तो उसमें उसके सोशल फंक्शनिंग में, मतलब सामाजिक चाल चलन में, बातचीत करने में, उसके धंधे पानी में, लोगों से मेल जोल करने में, मिलने में, या उसका जीवन जीने में, हर क्षेत्र के जीवन के अलग अलग पहलुओं में बाधाएं आती है, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम बार 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 दिमाग में आते रहता है कि मेरे में कुछ तो भी डिफेक्ट है। और यह व्यक्ति को बाकी कोई भी बीमारी ना होना चाहिए, यदि बाकी कोई बीमारी है तो फिर वो इसका इलाज करना पड़ेगा। ये बीमारी में क्या होता है कि बाकी उसको ना एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बाकी कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब तपास लिया, उसके बाद में भी उसको लगता है कि मेरे दिखने में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, और उसके बार बार उसके विचार आते रहते हैं। तो ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, उसका इलाज जो है वो करने के लिए उसको काउंसलिंग, रीएश्योरेंस, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी ये देते हैं, कभी कभी उसको एंटी ऑब्सेसिव ट्रीटमेंट भी देना पड़ती है, यदि बार 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 विचार आ रहा है तो साथ में यदि ऑब्सेशंस है तो, और ये व्यक्ति ठीक हो सकता है। यदि उसको बताया कि भाई हमने उसको जितना अपोज किया कि नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है, तो वो बार बार वही बोलते रहेंगे। हमने उसको ये बोला कि ठीक है भाई डिफेक्ट है, चलो ठीक है तू बोलता है करके, ओके चलो अभी बोलो क्या करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, चलो हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, तो फिर वो बोलेगा ठीक है सोचता हूँ देखता हूँ, फिर वो सोचने लगेगा। मगर हम जब बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो फिर बोलते हाँ है हाँ है हाँ है, तो वही लड़ाई हो जाती और वो विचार जो है पक्का पक्का होते जाता। तो उसके साथ में रहो, सपोर्ट करो, ज़्यादा रहा तो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करो, ताकि उसका इलाज करके वो अच्छा जीवन जी सकेगा। हमारा जो है केलकर हॉस्पिटल का मिशन जो है वह सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, वहाँ लोगों को हम भर्ती करते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी नीचे दिए हुए नंबर पर आप यदि फ़ोन करेंगे तो हो सकता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।